एमसीबी जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अक्षय निरामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भरतपुर सोनह क्षेत्र की विधायक रेणुका सिंह मौजूद रहीं। बता दें कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कुष्ठ रोग, टीबी रोग जैसी बीमारियों से लोगों को जागरूक करना है। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जानकारी के मुताबिक यह 100 दिन तक चलने वाला एक महाअभियान है, जिसमें रोगियों को चिन्ह अंकित कर उनका इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं मुख्य अतिथि विधायक रेणुका सिंह के द्वारा कहा गया कि प्रदेश के सभी 33 जिलों में जिला मुख्यालय में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। 7 दिसंबर से इस अभियान की शुरुआत हो गई है, जो 100 दिनों तक चलेगा। आज प्रदेश सरकार द्वारा निक्षय निरामया कार्यक्रम अभियान की शुरुआत हुई है। प्रदेश के सभी 33 जिलों में, सभी जिलों के मुख्यालय में इसी प्रकार से हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टर, नर्सेस, सभी स्टाफ और हम सब लोगों ने गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज 7 दिसंबर से अभियान प्रारंभ हो गया है। 100 दिन के अंदर जो 6 पेशेंट होंगे, जो टीबी पेशेंट होंगे, जो कुष्ठ रोग के पेशेंट होंगे और जो हमारे वृद्धजन जो किसी भी बीमारी से ग्रस्त होंगे, जो मलेरिया ग्रस्त होंगे, ऐसे लोगों की पहचान करेंगे और उनके इलाज भी होंगे। आज एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है, निक्षय निरामय छत्तीसगढ़, जिसके तहत हम जो है 4 राष्ट्रीय कार्यक्रमों का अभियान चलाएंगे, जिसमें टीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम है, मलेरिया कार्यक्रम है और वयोवृद्ध देखभाल कार्यक्रम है, जिसके तहत जो है समाज के हर तबके तक हमारा स्वास्थ्य विभाग की टीम जाएगी और इन रोगों की पहचान करेगी। जो लोग रोगी पाए जाएंगे, जिनमें बीमारी की पहचान होगी, उनका उपचार किया जाएगा ताकि समय से उनको उपचार मिल जाए और किसी भी तरह की कोई विकलांगता या जानलेवा बीमारी के रूप में वो आगे ना बढ़ सके।